अब अपन चलते हैं आगे। हमें कैसे पता लगेगा कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और ये कम, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं उसको, उसके कुछ पॉइंट है, आप उसको नोट डाउन करोगे वन बाई वन। वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप समझ पाओगे कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम। तो पहला वाला एग्जाम्पल देता हूं, उसमें पता कैसे लगेगा, मेजर और माइनस है। जो ज्यादा बनेगा वो मेजर होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। जो कम बनेगा वो माइनर होगा, वो हमारे पास कम स्टेबल होगा। तो माइनर वाला कम स्टेबल है, मेजर वाला ज्यादा स्टेबल है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पहला एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, जैसे इसकी और इसकी कंपैरिजन करोगे तो आपके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रही है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये ज्यादा स्टेबल है कि ये, तो उसका रूल नंबर वन है, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंप्लीट होगा ऑक्टेट वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो रूल नंबर वन नोट डाउन करो, रूल वन ये कहता है कि जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंप्लीट होगा ऑक्टेट, जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट लिखो सब लोग। पहला, जिस भी, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी होगी, मान लेते हैं कि इस कंपाउंड की जैसे दो थी, इन दोनों में से स्टेबल कौन है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अपन चेक करते हैं क्या पहले वाले का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं। आप जरा गौर से देखो, ये CH2 को, CH2 में टोटल इसने तीन ही बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने, तो क्या उस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, नहीं। तो ये क्या बनेगा, माइनर। अब होगा कुछ यूं कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है अपने, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड आने के बाद इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस केस में सारे सेटिस्फाइड है, तो ये मेजर बनेगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। तो पहला रूल है कि बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी हूं, उसमें जिस भी स्ट्रक्चर में सारे एटम का ऑक्टेट पूरा होगा वो ज्यादा स्टेबल है।